हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम उदयवीर और आपके अपने राजमिस्त्री चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देंगे जो लटक बीम होता है उसके क्या फ़ायदे हैं और किस तरीके से उसको ढलाई करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहे। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, लटक बीम की ढलाई की तैयारी हो रही है। तो लटक बीम कहाँ दिया जाता है दोस्तों? आप लेंटर में भी लटक बीम लगा सकते हैं। तो लेंटर में भी अगर आप लटक बीम लगा रहे हैं दोस्तों, तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए और ये कहाँ लगता है? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये दोस्तों बड़ा होल है और उस पर लटक बीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे कि लेंटर होता है दोस्तों और उसके नीचे लटक बीम आता है, तो जो ऊपर लेंटर की छत होती है दोस्तों, उसमें क्रैक वगैरह नहीं आता, क्योंकि जो लेंटर का लोड होता है वो लटक बीम में आ जाता है और लटक बीम से दोस्तों कॉलम से हो फाउंडेशन में दोस्तों चला जाता है। तो ये देख सकते हैं लटक बीम की भराई दोस्तों, हम इसे 1 फीट की कर रहे हैं। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार दोस्तों इसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो बड़े बड़े होल होते हैं उसमें दोस्तों लटक बीम का यूज किया जाता है। बहुत से जो छोटे बीड होते हैं दोस्तों, उसमें जो है हजमी बीम का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादा ताकतवर जो होता है दोस्तों ये लटक बीम ही होता है। तो आप देख सकते हैं इसकी लंबाई 27 फीट है दोस्तों। तो ये लटक बीम की ढलाई कर रहे हैं। इसके बाद ऊपर दीवार होकर लिंटल का काम किया जाएगा दोस्तों। तो इसे ढलाई करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? ये हमारी जो इसकी गहराई है दोस्तों वो 1 फीट है और ये 4 रद्दे दोनों साइड लगा रखे हैं दोस्तों। इसकी भराई करी है और इसमें मसाले के रेशो की बात करें दोस्तों, तो इसमें मसाले का रेशो 1.5-2.5 का जो लिंटल में चलता है दोस्तों, वही आपको लटक बीम की ढलाई में मसाले का यूज करना है, क्योंकि इसकी ताकत अगर ज़्यादा होगी तो जो भी आप इस पे छत या दीवार करेंगे तो उसकी भी ताकत ज़्यादा से ज़्यादा होगी। तो ये देख सकते हैं इसकी भराई हो चुकी है दोस्तों। तो इसी प्रकार से आपको ढलाई कर लेनी है और इसके बाद दोस्तों इस पे बोरी डाल करके 4 से 6 दिन दोस्तों आपको तराई करनी है। तराई जितनी अच्छी होगी उतना ही आपका बीम मजबूत होगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ मिस्त्री भाई हमारे क्या करते हैं कि इसकी तराई नहीं करते, उसमें बाद में जो है क्रैक आ जाता है और बहुत ही दिक्कत होती है दोस्तों। तो ऐसा आपको नहीं करना है, तराई प्रॉपर रूप से आपको करनी है। उससे क्या फ़ायदा होगा, आपके बीम में काफ़ी मजबूती आएगी और जो आप इस पे छत लिंटल या कुछ भी कर रहे हैं उसमें कोई भी दिक्कत परेशानी क्रैक नहीं आए, ताकत इसे मिलेगी और कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। तो ये आप देख सकते हैं ऊपर तक इस पे हमने मसाले की ढलाई दोस्तों कर ली। अब हमारा ये दोस्तों बीम फाइनल हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों।